हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। चंद्रयान 1 से चांद पर बर्फ की मौजूदगी का पता चला, नासा ने की पुष्टि। वैज्ञानिकों ने चांद के साथ साथ मंगल पर भी अपनी खोज जारी रखी है। इसी के मिशन पर काम किया जा रहा है और हाल ही में ये खबर आई है कि वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 ने चांद पर बर्फ होने की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें, चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान के यही बताते हैं कि चंद मा के ध्रुवीय क्षेत्रों के सबसे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर पानी के जमे हुए टुकड़े मिले हैं, जिन्हें बर्फ कहा जा सकता है। इसकी जानकारी नासा ने मंगलवार को दी है। वहीं भारत ने इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 10 साल पहले ही कर दिया था। चांद की सतह पर बर्फ मिलने के संकेत मिलने से ये कहा जा सकता है कि आगे चलकर चांद पर जल भी उपलब्ध हो सकता है। वहीं PNAS जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है, उत्तरी ध्रुव की बहुत बिखरी हुई मिली है। वैज्ञानिकों ने नासा के मून मिनरोलॉजी मैप पर M से मिल आंकड़ों को लेकर यह दी आया है कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम यानी बर्फ मौजूद है। साथ ही बता दें, इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान के साथ M3 को भेजा था। जानकारी के अनुसार बता दें, ये जल हिम ऐसे स्थान पर मिले हैं जहां पर घूर्णन अक्ष के झुके होने के कारण सूर्य रोशनी कभी नहीं पड़ती, इसलिए यहां का तापमान -156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं गया। चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट भारत का पहला चंद्र मिशन था, लेकिन इसने 28 अगस्त 2009 को सिग्नल भेजना बंद कर दिया था, जिसके बाद इसरो ने इसे आधिकारिक तौर पर इसने 28 अगस्त 2009 को सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। ये मिशन 2 साल के लिए था और पहले ही साल में इसने 95% लक्ष्यों को हासिल कर लिया था।